नमस्कार दोस्तों, जनरल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं वैलीज इन हिमाचल प्रदेश। आइए मैप के माध्यम से समझते हैं कौन कौन सी वैलीज हिमाचल प्रदेश में है। सबसे पहले बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में कौन कौन सी वैलीज है? कुल्लू वैली, पार्वती, सिराज। कौन कौन सी वैलीज है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में? कुल्लू, पार्वती, सिराज। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में क्यारदादून और हब्बन वैली। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की कौन कौन सी वैली है? क्यारदादून और हब्बन वैली। क्यारदादून को हम पोंटा वैली भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में बसपा, बसपा का दूसरा नाम सांगला वैली। रूपिन, मुलगन, रूपा, हांगरन, ये कौन सी वैलीज है? कौन से डिस्ट्रिक्ट की वैलीज है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में कौन कौन सी वैलीज है? बसपा वैली जिसको हम सांगला वैली भी कहते हैं, रूपिन वैली, मुलगन वैली, रूपा वैली और हांगरंग वैली। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कौन कौन सी वैलीज है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में दो फेमस वैली है, वैलीज है कांगड़ा वैली एंड बड़ा बंगाल। बड़ा बंगाल वैली से ही रावी रिवर निकलती है। लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति में लाहौल वैली, स्पीति, पत्तन, पिन, चंद्रा, भागा, लिंगटी, मुलांग। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, लाहौल एंड स्पीति में कौन कौन सी वैलीज है? लाहौल वैली, स्पीति, पत्तन, पिन, चंद्रा, भागा, लिंगटी एंड मुलांग। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी वैलीज है? चंबा वैली जिसको हम रावी वैली भी कहते हैं, पांगी और मंकी वैली, ये कौन सी वैलीज है डिस्ट्रिक्ट चंबा की? एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चंबा में चंबा वैली, पांगी वैली और मंकी वैली। डिस्ट्रिक्ट मंडी में कौन कौन सी वैलीज है? वला वैली जिसको हम सुंदरनगर वैली भी कहते हैं, चौंतरा वैली, चुहार वैली, संदोल वैली। डिस्ट्रिक्ट मंडी में कौन कौन सी वैलीज है? बलहा वैली जिसको हम सुंदरनगर वैली भी कहते हैं, चौंतरा, चुहार एंड संदोल। डिस्ट्रिक्ट शिमला, शिमला में पब्बर वैली या फिर रोहडू वैली भी इसको कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट सोलन में कुनिहार वैली, दून वैली एंड स्प्रून वैली। एंड डिस्ट्रिक्ट ऊना में स्वां वैली या फिर इसको हम जसवां दून वैली भी कहते हैं। एंड डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में धामी वैली। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज है हिमाचल प्रदेश की, बहुत ही फेमस वैलीज है। तो इस सेशन में हमने सारी वैलीज को कवर किया मैप के माध्यम से। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, पिछले सेशन में हमने हिमाचल प्रदेश की सारी वैलीज़ को कवर किया था और हमने मैप के माध्यम से समझा था कि कौन कौन सी वैलीज़ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट सेशन में हम इन वैलीज़ के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। इस सेशन में हम जो इम्पॉर्टेंट वैलीज़ है उनसे जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सतलुज वैली वैली की। नाम से ही पता चलता है सतलुज वैली सतलुज रिवर की वजह से बनी है और ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे एंटर होती है? ये शिपकिला पास जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है वहाँ पे एंटर होती है और ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से पंजाब में एंटर कर जाती है। और ये रिवर जो सतलुज रिवर है ये धौलाधार और पीर पंजाल को कट करती है।
जो मेन हिमालय हमारा उसको कट करती हुई जाती है, और इसके किनारे काफ़ी टाउन बसे हुए सतलुज वैली सतलुज रिवर के किनारे। नेक्स्ट हमारी वैली है क्यारदादून वैली। इस वैली को हम पोंटा वैली भी कहते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है और हिमाचल प्रदेश के साउथ साउथ ईस्ट कॉर्नर पे है। हिमाचल प्रदेश के में इसकी लोकेशन कहाँ है, साउथ ईस्ट कॉर्नर सिरमौर वाले एरिया में, और ये वैली मारकंडा और धाटी रेंज के बीच में है। और यहाँ पे इस वैली में ये वैली फेमस है श्री गुरु गोविंद सिंह जी के गुरुद्वारे के लिए और राम मंदिर के लिए। पोंटा वैली बहुत ही फास्ट इमर्जिंग इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में उभर रहा है। नेक्स्ट हमारी वैली है कुल्लू वैली। कुल्लू वैली कैसे फॉर्म हुई, रिवर ब्यास से। ये वैली मंडी जो कि मंडी तक फैली हुई है, और ये वैली पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच में है, तभी हमने इसको सैंडविच भी कहते हैं। इसको सैंडविच, किसका सैंडविच है ये, सैंडविच मतलब बीच की जगह, पीर पंजाल एंड ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच का। यहाँ पे काफ़ी फेमस टाउन है इस वैली में, मंडी टाउन, कुल्लू, भुंतर, मनाली, शामशी। और यहाँ पे जो इस वैली में के फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी कह सकते हैं, नगर कैसल, नेहरू कुंड, रिचर्ड आर्ट गैलरी, हिडिंबा माता का टेंपल जो कि आपका मनाली में है, बहुत ही फेमस टेंपल है। और नेक्स्ट हमारी वैली है कांगड़ा वैली। कांगड़ा वैली धौलाधार रेंज और शिवालिक रेंज के बीच में है, और इस वैली के कुछ इंपॉर्टेंट टाउन टाउन्स कौन कौन से हैं, वैजनाथ, पालमपुर, कांगड़ा, नूरपुर एंड धर्मशाला। और फेमस प्लेसेस कौन कौन से इस वैली के, शोभा सिंह आर्ट गैलरी एंड्रेटा जो कि कांगड़ा में है, शिव टेम्पल बैजनाथ और मैक्लोडगंज जिसको हम मिनी लिहासा भी कहते हैं, और यहाँ पे चामुंडा माता का मंदिर, ब्रिजेश्वरी टेम्पल एंड तपोवन। नेक्स्ट हमारी वैली है बड़ा बंगाल वैली। ये वैली धौलाधार रेंज और पीर पंजाल के बीच में है, और ये पार्शियली कांगड़ा में है और पार्शियली चंबा में, ये कांगड़ा से लेकर चंबा तक फैली हुई है। इसी वैली से रावी नदी निकलती है। नेक्स्ट हमारी वैली है वलाह वैली। ये इस वैली को हम सुंदरनगर वैली भी कहते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, और सुकेती खड्ड इस वैली को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। नेक्स्ट चंबा वैली। चंबा वैली को हम रावी वैली भी कहते हैं, और इस वैली को वैली ऑफ मिल्क एंड हनी भी कहा जाता है। वैली ऑफ मिल्क एंड हनी कौन सी है, चंबा वैली या रावी वैली? और इसी के साथ ही पांगी वैली भी जुड़ी हुई है इसी के साथ, जो कि चेनाब नदी तक फैली हुई है। और यहाँ के कुछ फेमस टाउन कौन कौन से हैं, चंबा टाउन, भरमौर, डलहौजी एंड खजियार। नेक्स्ट वैली है पब्बर वैली। पब्बर वैली कहाँ पे है, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, और इस वैली को हम रोहडू वैली भी कहते हैं। ये हार्ट कोटी से कहाँ तक, टिकरी तक फैली हुई है, और इस वैली का निर्माण पब्बर रिवर से होता है, और पब्बर रिवर ट्रॉट फिश के लिए भी जानी जाती है। नेक्स्ट वैली है लाहौल एंड स्पीति वैली। अगर आप लाहौल स्पीति का मैप देखोगे तो इसमें दो पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट को हम स्पीति और वेस्टर्न पार्ट को हम लाहौल रीजन कहते हैं। लाहौल वैली
किसके निर्माण से इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण चंद्रा एंड भागा रिवर से हुआ है, और ये पीर पंजालो मेन हिमालयन रेंज के बीच में है ये वाला एरिया, और यहाँ का जो मुख्यालय है वो कौन सा है? केलोंग। स्पीति वैली का निर्माण स्पीति रिवर से हुआ है, और स्पीति रिवर वैली में और कौन कौन सी वैलीज आ जाती है? लिंगटी वैली एंड पिन वैली, ये भी किसका पार्ट है? स्पीति वैली का पार्ट है। और स्पीति वैली फेमस है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के लिए, यहाँ पे काफ़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, ताबो, धनकर, ये सारी लोसार, ये सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के लिए, की मोनेस्ट्री के लिए फेमस है। इसके अलावा लाहौल स्पीति में पत्तन वैली, पत्तन वैली जब भागा एंड चंद्रा नदी मिलती है तो चेनाब रिवर का निर्माण होता है, और चेनाब रिवर से ही पत्तन वैली फॉर्म होती है। इसके अलावा पिन वैली, चंद्रा, भागा, लिंगटी, मुलांग, ये कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज हैं लाहौल एंड स्पीति की। नेक्स्ट है हमारा बसवा वैली, जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, इसको हम सांगला वैली भी कहते हैं। ये बसपा रिवर की वजह से बनी है। बसपा रिवर किस किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे हाईएस्ट एल्टीट्यूड, हाईएस्ट विलेज है, हाईएस्ट इन केस ऑफ एल्टीट्यूड, जो कि चितकुल है। और इस वैली में की बात करें तो इस वैली में मानसून रेन, फेयर अमाउंट ऑफ मानसून रेन होती है। इसके अलावा लाहौल स्पीति और किन्नौर वाले एरिया में बहुत ही कम बारिश होती है।